हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वो सनी पे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे। इसके साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल जोड़ने के लिए, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए टेलीग्राम के, और मेरे टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रिकल वो सनी, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है ऑल अबाउट लाइक प्लेसमेंट एंड योर डाउट क्वेरी। आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन रख सकते हो एंड अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड AKU पटना यूनिवर्सिटी एंड BCEC एंड UGAC। तो ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड इन दिस चैनल, टेलीग्राम चैनल। ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। एंड आज मैं BTech सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ऐसे सारे स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, आप इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइव सेशन लॉन्ग होगा, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, जी हाँ, लाइव सेशन के बाद देख रहे हैं, वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने हैं, कैसे स्कोर करना है आपको, इसके साथ ही 8+ CGPA आप कैसे स्कोर कर सकते हो लेस देन 10 डेज में। ठीक है, तो इन 10 दिनों में जो आप अभी स्कोर कर सकते हो 8 CGPA अप्रॉक्स कर सकते हो, कैसे स्कोर कर सकते हो मैं उस पर आज बात करूँगा, और आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है ब्लाइंडली, पूरा ब्लाइंडली होकर के फॉलो करना है। वैसे स्टूडेंट जो आज तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, वैसे स्टूडेंट, हाँ, जिनका कुछ प्रिपरेशन हो गया है, वो मेरे इस स्ट्रेटेजी और मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुने और उनको आप अप्लाई करें एग्ज़ाम में, और आपको बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, इसकी गारंटी है। ओके, तो एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया, एंड वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर अभी आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ एक बार शेयर कर दे आप लोग। ओके, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड लाइव सेशन टू योर ग्रुप, टू इन योर कॉलेज ग्रुप। ओके, तो आप अपने कॉलेज ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो एक बार सारे लोग शेयर कर दो। ठीक है, सारे स्टूडेंट एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, और एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक कर दें, एंड फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहली बात, 16th of November से एग्ज़ाम है, बहुत लोगों का 18 से भी एग्ज़ाम है, जी हाँ, 16 और 18 से एग्जामिनेशन है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ स्टडी किया होगा, नहीं तो आप लोग क्रेडिट पर ध्यान दें, सबसे ज़्यादा ना उस पर फोकस करें जिसका सबसे लो क्रेडिट है, बिकॉज आपको उसमें बहुत स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्रेडिट हो उसमें आप अगर सिलेबस पूरा कवर करके पढ़ाई करते हो तो आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। पहली बात, जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट बहुत कम है वैसे सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपका CGPA बढ़ेगा। ओके, आप इस पर क्लियर हो जाओ पहली बात, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे मिस्टेक्स किए हो, अब वो मिस्टेक्स आप ना करें और ऐसी गलतियां आप दोबारा ना करें। ठीक है, तो अब आप किसके भरोसे हो, तो भैया ऑर्गेनाइज़र के भरोसे हो जाओ। पहली बात, ऑर्गेनाइज़र सारे स्टूडेंट खरीद लेंगे, चाहे आप किसी भी कॉलेजेस के हो, किसी भी ब्रांचेस के आप स्टूडेंट हो, आपको ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना है, ऑर्गेनाइज़र के एक एक क्वेश्चन को देखना है, आंसर उसके नहीं देखने हैं, आंसर खुद के बनाने हैं। अगर आपको मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में तो आंसर खुद का रखना, खुद का आंसर खुद के लैंग्वेजेस में। प्लीज़, आप अगर गाइड वाला या फिर आप ऑर्गेनाइज़र का आंसर वहाँ पे लिखते हो, चाहे याद करके या कॉपी पेस्ट करके, तो आपको कम मार्क्स मिलेगा, ये गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना, और ये मिस्टेक्स नहीं करना सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर साइंस, IT, EC, EE और EEE का सिलेबस। सबसे पहले मैं वैसे सिलेबस डिस्कस करूँगा, और वो सिलेबस आप लोग जो है
एक कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ। एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा कि ये पढ़ना ही है और एग्ज़ाम में आएगा ही ऐसा, ठीक है। तो चलो कॉपी और पेन सारे लोग निकाल लें, मैं एक मिनट का टाइम दूंगा, कॉपी पेन निकाले, ऑल सब्जेक्ट के वर्ड बताऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो इंजीनियरिंग, चाहे इंजीनियरिंग इंग्लिश हो, एवरीथिंग। तो आप लोग एक बार पेन और कॉपी निकाल लो, उसके बाद बोलो डन। एक बार पेन कॉपी निकालो और एक बार बताओ मेरे को कमेंट करके कि यस डन हो गया। फटाफट बताओ, मैं एक मिनट में स्टार्ट करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले वैसे ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा जो कंप्यूटर साइंस, सी एस सी, आईटी, ट्रिपल ई, डबल ई और ईसी के बच्चे हैं, पहले उनका सिलेबस डिस्कस करूंगा। एंड देन आफ्टर, हो सकता है 10 से 15 मिनट मेरे को लग जाए डिस्कस करने में, उसके बाद मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा सिविल मैकेनिकल का, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार बता दें कि यस पेन कॉपी निकाल लिया है। अगर पेन कॉपी आप लोगों ने निकाल लिया है तो मैं अब बताना स्टार्ट करता हूँ। और जो इस वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं, लाइव सेशन के बाद देख रहे हैं, वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सारे लोग नोट करना कॉपी पेन निकाल करके, मैं बताना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं इतने बजे आऊँगा, ठीक है। और मैं चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना सिलेबस दिखाता हूँ ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं कंप्यूटर साइंस डबल ई, ईसी और ट्रिपल ई वालों बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लो, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ पास कैसे होना है, 8 CGPA कैसे आ सकता है, तो ठीक है। ये जो आपका है 5 क्रेडिट का है, इस सब्जेक्ट में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सारे क्वेश्चन बना करके आएँ। अगर आप इसको इस सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन करके आते हो, मतलब 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, 5 का एक वन नंबर कंपलसरी होता है जो 14 मार्क्स का होता है, उसे छोड़ करके 4 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, उस 4 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप करते हो तो आपका CGPA जो है ना, SGPA जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, मतलब A+ जा सकता है। ज़्यादा क्रेडिट वाले में ज़्यादा स्कोर करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, याद रखना ये बात। एट द एंड ना आपका क्रेडिट जुड़ के ही मार्क्स आता है, ठीक है, तो ये याद रखना। सबसे पहले सर्किट है, ठीक है, सर्किट में जो इम्पॉर्टेंट है आपका एकदम मोस्ट है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर याद रखना, AC सर्किट और DC सर्किट है, एकदम गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है। इस दो सब टॉपिक को पढ़ के आप पास भी हो सकते हो, मेरी बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद और बताऊँगा आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले DC सर्किट और AC सर्किट, इसमें आप लोग क्या करोगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन याद रखना, स्टार डेल्टा कन्वर्जन DC सर्किट में 100% याद रखना है आपको, कैसे होगा कन्वर्जन। पहला क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ यहाँ से, एकदम आउट क्वेश्चन है यहाँ से हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर जो है नेटवर्क थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवनिन थ्योरम, नॉर्टन्स और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा। तो मैं फर्स्ट मॉड्यूल का बता रहा हूँ DC सर्किट में, ठीक है। आपको नेटवर्क थ्योरम, सारे थ्योरम याद रखना है आपको, और एक एक न्यूमेरिकल आपको बना करके जाना है, इस पे क्वेश्चन आएगा, स्टार डेल्टा से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा सर। किर्चॉफ्स लॉ जो KVL KCL लगाते हैं, कोई सर्किट दिया रहेगा आपको, ब्रांच करंट और नोड वोल्टेज आपको निकालने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, नोड वोल्टेज और ब्रांच करंट, बस इतना ही पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। मैं बता दिया 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, बस इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से मैं आपको गारंटी देता हूँ 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, 14 मार्क्स DC सर्किट से 100% आएगा। AC सर्किट में आओ, AC सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें RLC सर्किट, RL और LC सर्किट जो है वहाँ से आप लोग जो है वो बनाना स्टार्ट करोगे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये एनालिसिस ऑफ, ठीक है, ये सब आपको छोड़ देना है, ठीक है, 3 फेज बैलेंस सर्किट ये सब दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है, करना ही नहीं है। हाँ, आपको जो है ये जो दिया वेव फॉर्म, पीक, RMS एंड एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ठीक है, इम्पीडेंस और सीरीज पैरेलल सर्किट,
सीरीज पैरेलल सर्किट आएगा आपको, वो आप कर लेना। सीरीज में कैसे जोड़ता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपको करंट और वोल्टेज निकालने के लिए आ सकता है एलसी सर्किट, और एलसी सर्किट में तो सेकंड डिग्री सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप गेट एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पे जाओ और पढ़ लो, या फिर ई कीड़ा, ई फॉर एलिफेंट, के फॉर काइट, ठीक है। ई कीड़ा के ई के डबल ई डी के डबल ई डी ए ई कीड़ा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हो। आपको सेकंड चैप्टर में बस इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ना है, आर एल आर सी और आर एल सी सर्किट, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका पढ़ के जाना है, ठीक है। पावर फैक्टर, अपेरेंट पावर, ये सब क्या होता है, आपको ये दो दो नंबर का जो 14 मार्क्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आएगा कंपलसरी, वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ से आप ये काम कर लेना, ठीक है। व्हाट इज़ पावर फैक्टर, वाज इज अपेरेंट पावर, रियल पावर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, फेजर क्या होता है, ये सब आपको पढ़ लेना है बस। थर्ड नंबर चैप्टर आओ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है, एनालिसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, करना होगा तो करना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ट्रांसफार्मर, यस 4, 5 और 6 नंबर जो है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर ये सब आप टॉपिक पढ़ के जाते हो, मैं इसमें बता दूंगा सारा नहीं पढ़ना है आपको। ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ना है आपको बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन पढ़ना है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये पढ़ना है। ट्रांसफार्मर में आपको टर्न्स रेशियो निकालने आना चाहिए, ट्रांसफार्मर में आपको फ्रीक्वेंसी निकालने आना चाहिए, ये सब याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा ट्रांसफार्मर से। ईएमएफ इक्वेशन याद रखना, 4.44 F into phi into N होता है, ठीक है। ये होता है ईएमएफ का इक्वेशन ट्रांसफार्मर का, चाहे आपको प्राइमरी में निकालना है तो N1 लिख देना है, phi1 लिख देना है और N1 लिख देना है, ठीक है। सेकेंडरी में निकालना है तो 4.44 F1 N1 और phi1। अगर मान लो कि आप, ये तो कांस्टेंट होता है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट होता है ट्रांसफार्मर, या अगर मान लो एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, दूसरे ट्रांसफार्मर का सिर्फ वोल्टेज दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो वोल्टेज निकाल सकते हो दूसरे ट्रांसफार्मर का, यहां से ये याद रखना आप लोग। टर्न्स रेशियो जो ट्रांसफार्मर में, आपको एक चीज़ देखना है कि प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करना है सर्किट को, उसके बाद उस सर्किट में वोल्टेज या करंट जो भी आपको निकालने बोलेगा वो निकालना है, या फिर सेकेंडरी को प्राइमरी में ट्रांसफ़र करके सर्किट को, वो भी निकालने के लिए आपको सीखना चाहिए। ई कीड़ा वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल है, या फिर आप एक काम कर सकते हो गेट एकेडमी प्लस पे जाके देख सकते हो, नेटवर्क थ्योरी में ये सभी है, ट्रांसफार्मर आप पढ़ सकते हो एकदम, बस इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं, एफिशिएंसी निकालने के लिए सीख लेना है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन याद रख लेना है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर देख लेना, और सिंगल फेज तो एक ही, दोनों एक ही टाइप से, थ्री फेज ट्रांसफार्मर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बस सिंगल फेज ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीनें जो वन ऑफ द बेस्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था फर्स्ट सेमेस्टर में भी, और इस बार भी मिलेगा आपको सेकंड सेमेस्टर में 100%। इसका प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना है सिंगल फेज और थ्री फेज, इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना है, एनी हाउ आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको टॉर्क निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। जनरेटर और मोटर में डिफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। जनरेटर में ईएमएफ कैसे निकालते हैं, मोटर में ईएमएफ कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है इधर, ठीक है, ये याद रखना है। इफिशियंसी निकालने भी आ सकता है आपको, ठीक है, और सिंक्रोनस जनरेटर भी है। सिंक्रोनस थोड़ा सा इधर टफ है, 5 नंबर चैप्टर जो ना टफनेस्ट है, टफेस्ट पार्ट है, लेकिन आपको ये करके जाना है, नहीं भी तो इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और मोटर जनरेटर आपको पढ़ के जाना है तो आपका काम हो सकता है। डीपी कोठारी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा, मैं बोलूँगा बुक रेफरेंस मत करो, आपको ऑर्गेनाइज़र को आप फॉलो करो और आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र में जैसे जैसे न्यूमेरिकल बनाया होगा, यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और 100% देखने के लिए मिलेगा, याद रखना भाई आप लोग, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस डिफिनेशन याद कर लेना है, बस डिफिनेशन याद कर लेना है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। बैटरी बैकअप क्या होता है, बैटरी क्या ऐसे होता है, बैटरी क्या होता है, MCB क्या होता है, ELCB क्या होता है, बस स्विच क्या होता है, यही सब आपको, बस स्विच गियर क्या है, स्विच गियर प्रोटेक्शन, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग और न्यूट्रल में ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो बस यहाँ से डिफिनेशन याद करना है, बस BEE कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, और BEE आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि भाई क्रेडिट बहुत कम है, ठीक है, ED, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग, बहुत अच्छे मीन्स रियली बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल में बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट देख लो यार, मेरे को रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं नेक्स्ट लाइव भी आऊँगा, अदरवाइज नहीं आऊँगा। ठीक है, और ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है भाई, वो मेरे से सीख लो। देखो क्रेडिट कम है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन आप ज़्यादा मार्क्स इसमें आता भी नहीं है। ठीक है, मैं एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन चैप्टर नंबर 5 है, मॉड्यूल 5 देख लो, 100% पढ़ के जाना, 100% आएगा क्वेश्चन आइसोमेट्रिक, एकदम बता दे रहा हूँ, जहाँ से आप अच्छा नंबर ला सकते हो। प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड, सॉलिड पढ़ना है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ना है, ठीक है, सॉलिड पढ़ के जाना है, ऑर्थोग्राफिक आपको पढ़ के जाना है, और बेसिक जो है वो पढ़ के जाना है। ठीक है, ये कॉनिक सेक्शन ये सब, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। इलिप्स बनाने के लिए आएगा, हाइपरबोला बनाने के लिए आ सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको बनाने के लिए मिलेगा वहाँ पे, और 100%। उसके बाद एक चीज़ देख लो यहाँ पे, फोर्थ नंबर इसमें आओ, ठीक है, इसमें आप पढ़ो ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ड्वेलिंग। ठीक है, इसको आपको समझ में नहीं आएगा, आप जब तक इसको पढ़ोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आप एक काम करना, गेट एकेडमी प्लस पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा है, एक JRS ऐसे कुछ एकेडमी ऐसे कुछ है, मैंने वीडियो बना रखा है, यूट्यूब चैनल है, कुछ कुछ दो तीन यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, कॉनिक सेक्शन वगैरह, सॉलिड्स, ठीक है, ड्रॉ सॉलिड आपको करना है, फिर सॉलिड से आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, आइसोमेट्रिक से सॉलिड बनाना है, तो ऐसा आपको देखने के लिए वहाँ पर मिलेगा, 100% ऐसा आएगा। ठीक है, और इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सब चीज़ आपसे पूछा जाता है वहाँ पे, ठीक है, और आपको बनाना पड़ेगा 100%। ठीक है, और उसके बाद देख लो, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ये प्रिंसिपल ये है। उसके बाद आपको देख लो क्या है यार, ये 7 नंबर जो है ना, कैड ड्राइंग, ये कैड दे दिया गया है इसमें, ठीक है, कैड ड्राइंग, ये भी आपको पढ़ के जाना है। मैं ड्राइंग का ज़्यादा आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि पास कैसे होना है, वो चीज़ें है। 14 मार्क्स का ड्राइंग में आपसे जो है ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो आपको बनाना है, 14 मार्क्स 100% आपके हाथों में है। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे एनी हो, आप कैसे करोगे आई डोंट नो एंड दे डोंट नो, आपको सारा का सारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप अगर मेरे से मानो यहाँ पर, ठीक है, तो ड्राइंग इनोवेशन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सी कैड सॉफ्टवेयर मॉडलिंग, ये सब डेफिनेशन आ जाएगा आपका 8 नंबर में। 9 नंबर में देखो क्या, जियोमेट्रिक एंड टोपोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग कंपोनेंट, ठीक है, ये आप चैप्टर डालोगे और आप पढ़ोगे। एंडी भट्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है सजेस्टेड टेक्स्ट बुक्स, तो आपको एंडी भट्ट की बुक आप पढ़ सकते हो, या फिर आप बुक पढ़ने की अब नीड नहीं है यार, ठीक है, तो अब सबसे बेटर होगा कि आप YouTube चैनल पकड़ो, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ डालो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, मतलब 6 चैप्टर तक तो सियोरली आपको पढ़ के जाना है, 1 से 6, 100%, ये छोड़ नहीं सकते हो आप, क्योंकि इधर पढ़ोगे तभी आपको नीचे समझ में आएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड, ये सब आपको पढ़ के जाना है, सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ राइट एंगुलर सॉलिड्स, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये जाना है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो 100% पढ़ना है भाई, छोड़ना ही नहीं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, इस पर आपको देख लेना है, ओवरव्यू बोला गया है तो मतलब इसमें आपको नॉलेज ले लेना है, आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो वहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, फिर कस्टमाइजेशन एंड कैड ड्राइंग, इस पर भी आपको ओवरव्यू ले लेना है, लाइक कैसा है, नहीं है, क्या क्या है इसमें, ज़्यादा नहीं, सारा नहीं पढ़ना है, 50% में इधर पढ़ लोगे तो काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में, लेकिन सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, याद रखना, वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ना भाई, डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, आपको एकदम सॉलिड दे देगा, आपको उसका प्रोजेक्शन निकालना है, या फिर आपका कोई फ्रंट व्यू वगैरह दे, वहाँ से सॉलिड ड्रॉ करने है, ऐसे भी आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फिजिक्स, सेमी कंडक्टर फिजिक्स है, ये जो है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अलग अलग है सभी का, तो मैं फिजिक्स पहले बोलूँगा, सेमी कंडक्टर फिजिक्स, तो भैया इसका ना सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी YouTube चैनल पे पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, 1 by 1 गूगल से सर्च करके पढ़ना पड़ेगा और 100% पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो 100% पढ़ के जाना और एग्जाम में पूछेगा, तो चैप्टर नंबर 4th सेमीकंडक्टर लेज़र 100% पढ़ के जाना है, मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है। 4 नंबर चैप्टर जो है क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ से, ठीक है, लेज़र आएगा, टाइप्स ऑफ लेज़र आएंगे आपको, और आपको एक्सप्लेन करना है, ड्रॉ उसका ड्राइंग भी बनाना है आपको, ये भी याद रखना, ठीक है, 100%। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में फोटो इलेक्ट्रोड, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रोड्स, पीएन जंक्शन, ये सब पढ़ के जाना है, मतलब छोड़ ही नहीं सकते हो कुछ भी, पाँचवा चौथा थर्ड
और फर्स्ट सेकंड में देख लेना ज़्यादा ठीक से, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या क्या है ये सब पढ़ना ही पड़ेगा थर्ड, ठीक है। एक से लेके चार चैप्टर ना, आप पांच चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते हो, छः नंबर में भी आप थोड़ा थोड़ा व्यू लेके जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं यार, आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ, पढ़ना ही पड़ेगा 70-80%, ठीक है, 100% पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। इसमें आप छोड़ नहीं सकते हो, अब बुक्स आप देख सकते हो जो जो सजेस्टेड टेक्स्ट बुक, बाकी आप अपना यूट्यूब चैनल का हेल्प लो और गूगल का हेल्प लो इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें व्हाट इज़ फर्मी लेवल, ठीक है, डायरेक्ट लिखना व्हाट इज़ फर्मी लेवल, जैसे लिखा हुआ है ना डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑन क्या है कैरियर कनेक्ट्रेशन एंड टेम्परेचर, तो आपको लिखना व्हाट इज़ फर्मी लेवल, ऐसे ही पूछेगा फर्मी लेवल को डिफाइन करने के लिए, ऐसे ही आएगा, ठीक है। डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट क्या होता है, डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट में डिफरेंस भी आ सकता है आपको, पीएन जंक्शन क्या होता है ये भी आपसे पूछेगा, कैरियर ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये भी आपसे पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर में डिफरेंसेस भी आपसे पूछेगा, ईके डाइग्राम है यहाँ पे वो भी पढ़ लेना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स क्या है वो भी पूछेगा आपसे, ठीक है। रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, ये सब आपसे पूछेगा भाई, तो ये सब आपको करके जाना है फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स आता है, जो मैथमेटिक्स सेकंड जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, ये आपका चार क्रेडिट का, इसमें भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, बस प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स इसमें आप क्या ही छोड़ोगे, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें देखता हूँ क्या क्या है चैप्टर मॉड्यूल फर्स्ट में, मॉड्यूल फर्स्ट में बेसिक है, ठीक है, बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। सेकंड नंबर में आना है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको पढ़ना है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड देयर प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूशन इस पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक चीज़ छोड़ोगे तो एक चीज़ दूसरे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेंट है यहाँ पर, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में, ठीक है, ये आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, इसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, 60-70% करोगे चलेगा, बाकी ऑर्गेनाइज़र पढ़ के जाना भाई, ऑर्गेनाइज़र से क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनाइज़र से देख लेना क्या क्या टॉपिक कवर किया है ऑर्गेनाइज़र ने, और आपको आइडिया मिल जाएगा, तो ऑर्गेनाइज़र एट द एंड आपको करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब इसका भी हो गया, अब इसमें देखो फिजिक्स जो है इसको मिला हुआ है वो वेव ऑप्टिक्स मिला है, वेव एंड ऑप्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जो ECEE और EEE के बच्चे हैं, वो कंप्यूटर साइंस का फिजिक्स अलग था, ECEE और EEE का सिलेबस फिजिक्स जो है वो अलग है, तो उनका ये फिजिक्स है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, मॉड्यूल फर्स्ट में है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन फर्स्ट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर, ठीक है, क्या है स्टेडी स्टेट मोशन ऑफ फोर्स डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, आपको ऑक्सीलेटर पढ़ना है, स्टैटिक स्टेट क्या होता है ये सब पढ़ना है स्टेडी स्टेट। उसके बाद सेकंड है लाइट्स एंड ऑप्टिक्स, ये पढ़ के जाना है, छोड़ना मत, बहुत छोटा सा चैप्टर है, पढ़ना है पूरा। फिर है वेव ऑप्टिक्स, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है वहाँ से हेल्प ले सकते हो, ट्वेल्थ के बुक से और नोट्स से, ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करके टॉपिक वन बाय वन पढ़ सकते हो, जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल है, हाइजेंस प्रिंसिपल ये आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है इसमें छोड़ना ही नहीं है वो चीज़ तो, ठीक है। फिर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये छोड़ ही नहीं सकते फ्राउनहोफर, ठीक है। उसके बाद क्या है डिफ्रैक्शन गेटिंग रिवर्सन ऑफ पावर, नहीं उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ, ठीक है। आइंस्टीन थ्योरी है ऑफ मैटर रेडिएशन, ये आपको पढ़ के जाना है, वो आपसे पूछेगा डायरेक्टली, आप क्वेश्चन देख लेना एक बार। फिर डाई लेज़र देख लेना, लेज़र इसमें भी पढ़ना है आपको, सॉलिड स्टेट लेज़र, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है रूबी लेज़र, आपको पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेजर लेज़र बीम पूछा जाएगा आपसे, मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिसिटी, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा क्रोमेटिसिटी, ये भी पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेज़र से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा टफ है ये सभी चीज़ें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है। बाकी आपको पूरा ये जो कंटेंट आप सोचोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, आप गूगल भी करना पड़ेगा, बाकी आप बुक का भी हेल्प लोगे, आपको एट द इन मेहनत करना पड़ेगा, 10 दिन आपके पास है, 2 दिन में ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेमी कंडक्टर, ये तो थोड़ा ईजी है, ठीक है। ब्लोस थ्योरम आपको पढ़ लेना है, 100% ब्लोस थ्योरम छोड़ना नहीं है, ये पूछा ही जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है।
कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, कैरियर ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन में डिफरेंसेस आता है, ठीक है, आता है, मतलब पूछा जाता है, मैंने देखा है। पाँच नंबर, आठ नंबर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है, जो जो आपको समझ में आए, जो ईजिली मिल जाए वो पढ़ लेना, बाकी मत पढ़ना एट नंबर चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है ECEE और EEE का, वो मैथमेटिक्स है लीनियर अलजेब्रा ट्रांसफॉर्म कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड। तो लीनियर अलजेब्रा तो एकदम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, एकदम फोड़ देना, इसमें तो छोड़ना ही नहीं है कुछ, ठीक है। फर्स्ट नंबर मैट्रिसेस है, पूरा पढ़ के जाना, मैट्रिसेस छोड़ना मत। फिर है न्यूमेरिकल मेथड, इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसमें जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ लेना, बाइसेक्शनल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ के ही जाना है न्यूटन रैप्सन, ठीक है, छोड़ना मत, ठीक है। ट्रैपीजोडल रूल एंड सिम्पसन फर्स्ट थर्ड एंड थ्री बाई एट रूल, ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट बोला वो छोड़ना मत। चैप्टर नंबर थर्ड में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के जाना है, टेलर सीरीज, इलर्स एंड मॉडिफायर इलर्स सीरीज, ठीक है, रोंगे कुट्टा मेथड 100% पढ़ के जाना। ये सब ना भगवान सिंह विश्वकर्मा बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बस देखना ये क्या होता है और एक न्यूमेरिकल लगा लेना है बस। चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर टू में आपको बता दिया बाइसेक्शनल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है, ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद आप आ जाओ बस, हो गया। इसके बाद क्या लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, चैप्टर नंबर चार में लैपलेस आपको पढ़ लेना है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म 100% पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। इसके साथ ही फंक्शन ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे इधर, इंटीग्रेटर, लैपलेस थ्योरम, सॉल्विंग ऑड्स एंड ऑड्स एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ लेना है, थ्योरम एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका ECEE कंप्यूटर साइंस, EEE सबका हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये हो चुका है, लगभग आधे घंटे की लाइव हो चुकी है और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, और वीडियो को सारे लोग लाइक कर लें, ठीक है। उसके बाद अब जो है मैं सिविल और मैकेनिकल की बात करूँगा, ठीक है। IT तो हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT वाले का सेम ही है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग, IT वाले का प्रोग्रामिंग है सेकेंड सेमेस्टर में, तो एक देख लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रोग्रामिंग में आपको PPS है, ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, मतलब प्रोग्रामिंग में जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स होगा। पास करने के लिए कंप्यूटर्स के पार्ट्स फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ लेना, सेकेंड नंबर पढ़ लेना, और एरे पढ़ लेना, ऑपरेटर पढ़ लेना, पहला नंबर चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद रिकर्सन, और उसके बाद पॉइंटर स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे, काफ़ी है, ठीक है। IT वाले बाकी सब सेम है, बाकी जो बता दिया, ठीक है। अब है कहाँ चला गया, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है, सिविल और मैकेनिकल न्यू सिलेबस है। केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ना है, प्रोग्रामिंग पढ़ना है, PPS और वर्कशॉप पढ़ना है, और इंग्लिश पढ़ना है। सबसे पहले मैं इंग्लिश पे जोड़ दूंगा, जो 100% आप मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। वोकेबुलरी है सबसे पहली बात, जो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको आता है, ठीक है, अब दिमाग नहीं लगाना है। बेसिक राइटिंग स्किल 100% पढ़ना है, इसमें सब कुछ पढ़ना है बेसिक राइटिंग स्किल में सब कुछ। और मैं बोलूँगा इंग्लिश के लिए ना, आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजर उठाओ, ऑर्गेनाइजर को सॉल्व करो और फिर पढ़ो। ऑर्गेनाइजर में टॉपिक देखो और जाके YouTube से पढ़ लो, ऑर्गेनाइजर में टॉपिक देखो और पढ़ लो इंग्लिश के लिए, सिर्फ इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, वर्कशॉप और इंग्लिश के लिए बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेटर उटर आता है उससे पास वास हो जाओगे आप लोग, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ईजी है, पैसेज वगैरह आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आता यार, बहुत ही बढ़िया। सब इस सिलेबस देख के ना फट जाएगा, सिलेबस मत देखो इंग्लिश का, दिमाग का दही है, ठीक है। वर्कशॉप में भी आपको सेम करना है, ऑर्गेनाइजर में क्वेश्चन देखना और पढ़ना है, जो नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पे जाकर सर्च मार लेना ऑर्गेनाइजर का। अब फर्स्ट नंबर चैप्टर लेकिन छोड़ना मत यार, जैसे देखो इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वेल्डिंग 7 नंबर चैप्टर 100% पढ़ के जाना, एक भी मत छोड़ना। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डिंग क्या होता है 100% पहली बात, ठीक है। कारपेंट्री क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिटिंग क्या होता है ये भी पढ़ लेना है, CNC मशीन, एडिटिव मशीन, ठीक है, मैन्युफैक्चर, फर्स्ट नंबर चैप्टर जरूर पढ़ना। मेटल कास्टिंग भी पढ़ सकते हो, एक लेक्चर एक ही दिन का है, ठीक है, मतलब बहुत ईजी है ये WMP, ठीक है, मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए। आप PPS है आपका,
पीपीएस के लिए बेसिक आपको बता दिया, आप यूट्यूब पे जाओ, बेसिक जो भी आप सर्च मारो, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लो, नहीं मिल रहा है तो आप सबसे बेटर है कि गूगल कर लो, गूगल से पढ़ लो, क्रोम से पढ़ लो, सबसे अच्छी बात आपको बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, आप इसमें जैसे है ना, जैसे एरे है तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज़ एरे, तो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको वो भी पढ़ना है। इसमें ऑपरेटर, व्हाट इज़ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर हैं, कुछ डिफाइन करने आपको बोला जा सकता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑर्गेनाइज़र जरूर देखना। इसके साथ ही मैं विकास पांडे यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करूँगा पीपीएस के लिए, जो प्रोग्रामिंग के लिए है, वहाँ से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। आप वहाँ से जो सर्चिंग करोगे ऑपरेटर से स्टार्ट करना, या फिर वो अपने आप वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, बहुत जल्दी आपको बता देगा, प्रोग्रामिंग आप बना लोगे उसका वीडियो देख करके, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ के लिए गूगल कर लो, बाकी यूट्यूब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है पीपीएस यार, बहुत ईजी है, 100% मार्क्स आएगा। उसके बाद आप आ जाओ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में, तो भैया यहाँ से 4-5 यूट्यूब चैनल है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। 2-3 मैम है उसे भी फॉलो करना है, आप देख लेना यूट्यूब पे कौन कौन सा है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, और आपका सिलेबस जहाँ से मिल जाए। बाकी एक बुक मैं बोलूँगा AQ वाला रिकमेंड करूँगा, वो ले लेना, लाइब्रेरी से नहीं है तो यूट्यूब चैनल जिंदाबाद। आप इसमें एकदम स्टार्टिंग से देख लो, ठीक है यार, मतलब फर्स्ट नंबर चैप्टर तो छोड़ना मत किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे किसी भी ब्रांच के आप हो, क्योंकि वो बेसिक है। वहाँ से भी आइसोमेट्रिक है, ये सब पढ़ना है, आइसोमेट्रिक ये सब पढ़ना है, आयंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, एंड ठीक है, मेटल का आयंस एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी यार नींद आ रहा है मुझे, यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड वाटर, वाटर ट्रीटमेंट भी होगा इसमें आपका पढ़ना, वो भी देख लेना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है, एनर्जी, मतलब थोड़ा सा टफ है केमिस्ट्री आपको, मेरे को भी समझ में, मेरा भी दिमाग ख़राब होता है केमिस्ट्री के टाइम। अब ऑर्गेनाइज़र पढ़ो, ऑर्गेनाइज़र से हेल्प लेना, ऑर्गेनाइज़र का क्वेश्चन लेना, आंसर अपना रखना, आंसर के लिए यूट्यूब लेना या गूगल से हेल्प ले लेना, ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक आप 12th की भी हेल्प ले सकते हो, 12th क्लास 11th क्लास की, ठीक है। ये सब भाई बातें याद रखना, केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा यार, ठीक है। बस उसके बाद मैथमेटिक्स है, ऑड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। भगवान सिंह विश्वकर्मा को फॉलो करना है, भगवान सिंह विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल है जो आपको बहुत ही कम टाइम में आपको सिखा देता है, ठीक है। आप डायरेक्ट टॉपिक पे जाओगे, जैसे है इसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है, इंट्रीगेशन, तो आप डायरेक्ट मारोगे भगवान सिंह विश्वकर्मा, ठीक है, मल्टीपल इंट्रीगेशन है, जैसे मारो इसमें डबल इंट्रीगेशन, ट्रिपल इंट्रीगेशन, ऐसे सर्च मारोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस इन डबल इंट्रीगल, ये सब ऐसे करके आप करोगे, ठीक है। अब बाकी आप बीएस ग्रीवाल की बुक मैंने बोला था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, सब लोग लिए होगे, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सर्च मारोगे, आप वहाँ से करोगे, ठीक है, 100% ये सब बना के जाना यार, मतलब छोड़ना, मतलब मैथमेटिक्स तो कुछ भी मत छोड़ना यार, पढ़ डालो यार, अभी 10 दिन है, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल वाले का, सिविल वाले का भी कॉमन होगा, कुछ कुछ बता देता हूँ। केमिस्ट्री कॉमन है और पीपीएस कॉमन है, वर्कशॉप इंग्लिश कॉमन है, सिर्फ बचा आपका मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, जो बहुत ईजी है, और आपको मैथमेटिक्स 2 ही चैप्टर पढ़ना है, याद रखना। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर आपको पढ़ना है, मतलब सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर ही पढ़ना है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, C1, C2, E1, E2 का वैल्यू निकालना है, फिर से पुट करना है, और कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको जाकर के लिखना है, ऐसा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सब पढ़ना है। कॉची यूलर्स इक्वेशन जो है आपको 100% पढ़ के जाना है, बेसेल्स फंक्शन 100% पढ़ के जाना है, ठीक है, लीजेंडरी पॉलीनोमियल ये भी आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है आपको, 100% पढ़ के जाना है, मतलब 2 ही चैप्टर है, आप 100% पढ़ के जाओ, ठीक है। भगवान सिंह विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल का हेल्प लो। भैया मेरा भी टेलीग्राम बंद हो गया, पता नहीं टेलीग्राम क्यों बंद हो गया तुम लोगों का, टेलीग्राम में मैसेज मैंने करना है अलाउ बंद कर दिया, ठीक है। बाकी सिलेबस सारा सेम है सिविल मैकेनिकल का, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के लिए 3-4 मैम है, आप देख सकते हो जा कर के, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं कम टाइम में मैक्सिमम गेन करने के लिए अब आपको बता रहा हूँ कैसे। ये देखो 34 मिनट हो चुका है, बहुत लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे बाद में, बट जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं मैं उसको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, एकदम मेरे एक बात को ध्यान से सुनना और अप्लाई करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है, सुनना। सबसे पहली बात, आपको कॉपी क्लियर लिखना है, कट कुट नहीं करना है कॉपी में, पहली बात। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंपलसरी होता है 14 मार्क्स का, जिसमें कभी ऑब्जेक्टिव आता है कभी सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आपको 2-2 मार्क्स का आएगा। टोटल 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 7 क्वेश्चन बनाना है उस 10 में से। मैं आपको बोलता हूँ उस 10 में से 10 क्वेश्चन आपको बनाना है
100%, 7 नहीं बनाना है, 10 क्वेश्चन बनाना है आपको। फर्स्ट नंबर जो कंपलसरी होता है, ऑब्जेक्टिव अगर आया है, अगर आपको आता है तो बनाओ, नहीं आता है तो आप रुकोगे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के आधा घंटा पहले पूरे क्लास में एक एक इंसान से पूछोगे, भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या, जिस पे आपको भरोसा है कि ये बच्चा अच्छा पढ़ने में है, उससे पूछोगे। पास होने का बता रहा हूँ भाई, एकदम 8 CGPA आएगा, 100% 8 CGPA आएगा। ये बात को मेरे एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। सारे लोग जो सोच रहे हैं मैं पास कैसे होऊंगा, सब लोग पास हो जाओगे, बस ये वाला फंडा अप्लाई करना। ऑब्जेक्टिव लास्ट में बनाना है, ऑब्जेक्टिव सबसे पूछ करके बनाना है, 14 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। पहले सुनो, ऑब्जेक्टिव आ गया तो ठीक है, अगर सब्जेक्टिव आया तो सब्जेक्टिव भी लिखना है, 10 का 10 लिखना है, चाहे 2 ही लाइन लिखो, लिखना है 100% लिखना। वो मार्क्स नहीं कटता है, मार्क्स सबको मिलता है फर्स्ट नंबर वाला में। ये हो गया कंप्लीट, 14 मार्क्स आपका 100% हाथ में है, कोई नहीं ले सकता आपका 14 मार्क्स, कोई नहीं ले सकता 14 मार्क्स, वो आपके हाथ में है। पहला फेल नहीं होगे। पास आपको कहना 25 मार्क्स लाओ, सब लोग सेफ जोन में रहो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, मतलब 21-22 होता है, मैं 25 बोल रहा हूँ, कैसे आएगा, 14 मार्क्स हो गया यहाँ। अब 4 क्वेश्चन बाकी है इधर, उस 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए ना भाई तो पास हो गए। 4 में से 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके अच्छे से बना दिए ना, और उसमें से आपका 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप 3 ही क्वेश्चन भी बना दिए ना तो पास तो यूं ही हो गए भाई। अगर 2 क्वेश्चन भी पूरा सही बना दिए ना, 42 मार्क्स आएगा आपको, सोच रहे हो 42 मार्क्स, और उधर 30 मार्क्स आपका इंटरनल एग्ज़ाम और सब कुछ जो कॉलेज से मिलेगा, 30 में से 25 मार्क्स, ठीक से 25 मार्क्स से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उधर 42 और 42 में मानो 40 नंबर आया मुझे, 40 नंबर, और इधर 65 नंबर आपको आ गया यार, ठीक है, 7.2 CGPA के अप्रॉक्स। अगर आप 3 क्वेश्चन बनाते हो तो 8+ CGPA चले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ना मत कोई प्लीज़, और हो सके जिसको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, लग रहा है कि न्यूमेरिकल गलत होगा, तो प्लीज़ आप न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ना बनाएं, आप सब्जेक्टिव बनाएं और एकदम उसको लेंदी लिखने का कोशिश करें, लेकिन आप पॉइंट बाय पॉइंट करें। एक पॉइंट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट बनाए, फिर तीसरा पॉइंट बनाए, पॉइंट मतलब बुलेट पॉइंट उसे बोलते हैं हम। अगर बुलेट पॉइंट से आप बना करके लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा गेन करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पिक्चर रिप्रेजेंट करके आप बना रहे हो तो और भी ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा पिक्चर रिप्रेजेंट करके। तो ये सभी याद रखना, डायग्राम बना के आप बना रहे हो तो एक नंबर बहुत बढ़िया, फोर डालोगे एग्जामिनेशन में, कट कुट मत करना। और आगे पीछे देख करके थोड़ा थोड़ा किसी कॉलेज में अगर चलता है तो देख के लिख सकते हो, कोई टॉपिक आप भूल गए हो, आपको नहीं आता, और सीरियल वाइज अगर बनाए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट से। मान लो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 2, 3, 7 ऐसे बना रहे, ये नहीं कि 2 बनाए फिर 8 बना दिए फिर 1 बना दिए, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं होता है। मेरे केस में तो नहीं होता था भाई, आप लोगों का मेंटल वाइज कैसे हो आप लोग पता नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबको मार्क्स मिलता है। और हाँ, कोई बच्चा अगर 6 क्वेश्चन बना दे रहा है तो 6 भी बना देना यार, जितना क्वेश्चन आपसे बनेगा सारा क्वेश्चन छोड़ के मत आना, एटलीस्ट 20 पेज+ लिख करके आना है, 20+ पेज। और न्यूमेरिकल अगर बन गया तो भाई आप महान इंसान हो, न्यूमेरिकल अगर बन गया तो छोड़ना मत न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो ये सभी टिप्स है जो आपको काम देगा एग्जामिनेशन में, पता है ना, पास होने का एक ही रामबाण है, ऑब्जेक्टिव सारा सही बनाना है, लास्ट में सबसे पूछ करके बनाना है अगर आपको नहीं आता है। और एक क्वेश्चन भी आप अगर बीटेक वाले स्टूडेंट हो यार, आप इतना पढ़ के गए हो, एक क्वेश्चन भी आप सही नहीं बनाओगे तो 14 और 14 28 मार्क्स, मान लो 5 नंबर कट भी गया फिर भी तो 23 मार्क्स आएगा यार, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, बाकी और भी इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना करके। बाकी इस वीडियो को शेयर करना, सिलेबस मैंने इसमें कवर किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, ठीक है, एक वीडियो ला दूंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है मॉपअप की, देखते हैं आज क्या होता है, कितने सीट बचते हैं, ठीक है। सारा बुक सेम है, फर्स्ट सेमेस्टर बुक आपको लेना नहीं है प्रिंस कुमार, अभी सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सारे लोग बुक खरीद लो। ईयर बैक लगता है KR, ठीक है। ईयर बैक कब लगता है, तो 5 CGPA से कम मार्क्स आने के ऊपर ईयर बैक लगता है, अगर 2 सेमेस्टर मिला करके 5 CGPA से एवरेज कम है तो ईयर बैक आपको लग जाएगा, ठीक है। आई होप बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो। बाकी ऑर्गेनाइज़र मत छोड़ना भाई, आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है, ओके। तो चलो, फिर से मिलता हूँ आप लोगों से लाइव, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हो सके तो डिटेल्स में और भी ला करके वीडियो बनाऊँ। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू।